हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले का पूरा टॉपिक डिस्कशन किया हुआ है, जो कि पार्ट डिस्कशन क्लास टेंथ बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल पे जाके पीछे वाले टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। जंतु जो है भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे पे आश्रित होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अपना भोजन जंतु स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं सिर्फ पौधे ही बना सकते हैं, जंतु नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जंतु जो है परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जो इनके लक्षण हैं, परपोषी जंतु यानी दूसरे पर आश्रित रहेंगे, या मृत जीवी या मृत पदार्थों से अपना भोजन लेंगे, या परजीवी दूसरे से भोजन ग्रहण करेंगे, या प्राणी समपोषण हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्राणी सम पोषण क्या होता है, एक बार और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, वो जो है प्राणी सम पोषण या हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी समपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा जो है एक सरल प्राणी समपोषी जीव है, यानी कि वे जो अपना भोजन जो है प्राणी के जैसा ही ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन द्वारा ग्रहण करेगा, यानी कि कोई भी जंतु ही उसका भोजन होगा, या उसमें पौधा भी हो सकता है या छोटा छोटा जीव भी हो सकता है। प्राणी समपोषी जीव है यह मृदुजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है, यानी कि ये अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। इसका आकार जो है कुटपादों बनने और बिगड़ने के द्वारा के कारण जो है बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। जैसे कि हम लोग सामान्यतः देखते हैं, हम लोग अपना ही देख लीजिए, हम लोग पोषण के लिए विशेष संरचना क्या है, मुंह है। कोई भी जीव जंतु जानवर रहता है उसमें, जैसे गाय है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसमें विशेष संरचना क्या रहता है, मुंह रहता है भोजन ग्रहण करने के लिए। लेकिन अमीबा जो है इसके शरीर में कोई भी विशेष संरचना नहीं होती है, ये अपने कूटपादों की ही मदद से भोजन ग्रहण करता है। अब अमीबा का भोजन देखते हैं क्या है। अमीबा का जो भोजन है शैवाल हो सकता है के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम्स या अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे टुकड़े इत्यादि हो सकते हैं अमीबा का भोजन। अब अमीबा में जो है भोजन अंतर्ग्रहण, अमीबा में पोषण कैसे होता है, पहले अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा से, फिर अमीबा के अंदर पाचन होता है तथा फिर बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा से बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आसपास में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, यानी कि जैसे कि देखिए इस तरह से यहाँ जैसे मान लीजिए भोजन है, तो ये जो धीरे 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 बढ़ने लगते हैं और इस तरह से भोजन को घेर लिया जाता है। तो इस तरह से फूड वैक्यूल, फूड को चारों तरफ से अमीबा घेर लेता है और एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है तथा जिसमें भोजन के साथ जल भी
होता है। आसपास में जो जल रहता है वो भी भोजन के साथ ग्रहण हो जाता है। आगे देखिए दिखाया गया है। अब देखिए ये अमीबा है, यहाँ पे अनिश्चित आकार का है अमीबा। अब यहाँ पे उसको भोजन मिला तो यहाँ से वो अपना आकार बढ़ाया, यहाँ से आकार बढ़ाया और इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके ये दोनों, ये जो है बंद हो जाएगा, फुटपाथ यहाँ पे बंद हो जाएगा ये, तो ये एक फूड वैक्यूल, ये देखिए फूड वैक्यूल बन जाएगा और इसके अंदर जल भी होगा और भोजन जो है अमीबा के अंदर, यहाँ देखिए भोजन रसधानी के रूप में अंतर ग्रहण हो जाएगा। फिगर क्या था, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण जो कि फिगर है चित्र 1.6 है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे अमीबा है, केंद्रक है, ये यहाँ पे भोजन है, एक है फिगर, भोजन का यहाँ पे पाचन हो रहा है और ये जो भोजन है किसी भी सतह से छिद्र का निर्माण हुआ और यहाँ पे भोजन का जो अपचा भोजन है यहाँ पे धीरे धीरे जो है अमीबा से निकाल दिया गया, अपचा भोजन जो है निकल गया। चित्र क्या कर रहा है, चित्र 1.7 है जो कि अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण है। अब हम लोग देखते हैं, अमीबा का तो बात हो गया, अब हम लोग देखते हैं पैरामीशियम के बारे में। एक अन्य प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव जो है पैरामीशियम है। पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा देखिए पैरामीशियम जो है एक चप्पल की आकृति के जैसा होता है। इसको देखिए, इसमें सीलिया है, भोजन के कण यहाँ से अमीबा में अंतर्ग्रहण हो रहा है। कोशिका का मुख या साइटोम्स यहाँ पे है, ये भोजन रसधानी है, यहाँ पे भोजन आकर रसधानी का निर्माण कर लिया, भोजन रसधानी का निर्माण यहाँ देखिए बड़ा हो गया है और यहाँ से कुछ जो अपचा पदार्थ है छिद्र के द्वारा यहाँ से निकल जाता है। ये था चित्र 1.1 पैरामीशियम में पोषण। परंतु क्या है, अमीबा में तो है आकार उसका अनिश्चित होता है, परंतु क्या है पैरामीशियम में, परंतु इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम जो रोमा टाइप का है, ये यहाँ देखिए ये जो रोम दिखाई दे रहा है ये यही सीलिया है, इससे ढका हुआ होता है और ये प्रचलन अंग का भी कार्य करता है, सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम जो है में भोजन का अंतर्ग्रह शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोम कहलाता है। सीलिया में लगातार होने वाले गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। अब सीलिया हमेशा जो है पैरामीशियम में सीलिया से हमेशा गति होता है और वही भोजन को कोशिका मुख या साइटोम की ओर ले जाता है। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। हम लोग अमीबा और पैरामीशियम में देख लिए हैं, अब हम लोग मनुष्य में देखेंगे। देखिए मनुष्य
तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो पाचन के लिए पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस का स्त्राव करती है जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम लोग मनुष्य का आहार नाल देखेंगे। मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडलित यानी कि क्वाइल्ड संरचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य निम्नलिखित हैं। अब मनुष्य के आहार नाल की संरचना और उसके कार्य हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आगे देखते हैं। सबसे पहले है मुख गुहा। मुख गुहा जो है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है यानी कि जो हम लोग का मुंह है ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल ओठ यानी कि लिप्स होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। हम लोग के मुंह में ओठ जीभ दांत ये सब हैं और जबड़ा हम लोग का उचली ऊपरी और निचली जबड़ा होता है। जीव मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा पीछे की ओर जीव जुड़ा हुआ रहता है और आगे स्वतंत्र हम लोग जीव ऊपर नीचे कर सकते हैं। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पैपिलेट होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका टेस्ट बर्ड कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा खरा खट्टा कड़वा आदि का ज्ञान होता है। हम लोग जीभ अगर उंगली से छुएंगे देखेंगे तो हम लोग को जीभ खुदरा जैसा दिखाई देता है जो कि वही है जो स्वाद कलिका है जिससे कि हम लोग को टेस्ट हम लोग को पता चलता है कि मीठा खा रहे हैं या खट्टा खा रहे हैं कड़वा आदि का हम लोग को अनुभव होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े गुम्स से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े से ढका होता है जड़ रूट तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर क्रोम कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दनिक कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मस्सा गुहा पल्प कैविटी होता है। इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है। ये देखिए हम लोग का आहार नाल तथा संबंध पाचक ग्रंथियां हैं। मनुष्य का आहार नाल है यहाँ पे देखिए मुख गुहा यानी कि हम लोग का मुंह है। इसके तुरंत बाद लार ग्रंथि है जो हम लोग के मुंह में लार आता है एक ग्रंथि में निर्माण होता है लार ग्रंथि है। ट्रैकिया दिखाया गया है ग्रास नली डायफ्राम यकृत प्लीहा पित्त की थैली अमाशय अग्नाशय छोटी आंत क्लोन और एपिडिक्ट रेक्टम इसी से होकर हम लोग का पोषण मनुष्य में पोषण जो कि मुख गुहा से शुरू होता है और रेक्टम से आके उत्सर्जित हो जाता है। ये हम लोग का आहार नाल है। इसमें हम लोग का पूरा शरीर मतलब पूरा भोजन का पाचन होता है। ये चित्र 1.9 आहार नाल का है। आगे देखिए डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं कतरन या इनजाइसर भेदक या कैनाइन
अर्धचवर्णक या प्लीमोलर तथा चवर्णक या मोलर। इस तरह के हम लोग के चार प्रकार के दांत होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दंत अस्थि क्षय पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।